हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन डीएमआर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोहम्मद शमी। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद शमी के बारे में हम बात करेंगे। मोहम्मद शमी जिस पे आज पूरा भारत नाच कर रहा है, जिस पे आज पूरा भारत गर्व कर रहा है, नाच कर रहा है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि शायद इन्होंने आत्महत्या करने का भी कोशिश किया था, प्रयास किया था, प्रयत्न किया था। बहुत तनाव रहा इन इस व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन जब तनाव से बाहर निकलकर परफॉर्मेंस आप करें और बेहतर परफॉर्मेंस करें, जब 1 अरब 50 करोड़ लोग आपके दीवाने हो जाएं, जब आप पे आरोप लगा हो और आप उस आरोप अपने आप को उस आरोप से साबित करें कि मेरे पे जो आरोप लगा है झूठा है, तो सोचिए कैसा उस वो नजारा कैसा होगा। देखिए, जब आप आरोप लगा हो और आप अपने आप को साबित करें, तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है दोस्तों। मोहम्मद शमी पे आरोप लगा था कि ये पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान के प्रति अच्छे बोलिंग नहीं करेंगे और ये पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, ये क्योंकि ये एक मुस्लिम है। तो इन्होंने इस आरोप को जो है खारिज किया और इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। और अभी फिलहाल मैच में जो इन्होंने भारत को सेमीफाइनल जितवाया 7 विकेट से, तो सोचिए मोहम्मद शमी कितने बड़े, कितने अच्छे बॉलर हैं भारत के। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मोहम्मद शमी के क्रिकेट करियर के बारे में। ये मोहम्मद शमी एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो घरेलू क्रिकेट में बंगाल की ओर से खेलते हैं। दोस्तों इनका जन्म 9 मार्च 1990 को हुआ था। ये दाएं हाथ के तेज गति से गेंदबाजी करते हैं दोस्तों। इन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध जनवरी 2013 में वनडे में करियर की शुरुआत की थी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने वनडे करियर की शुरुआत पाकिस्तान के विरुद्ध की थी और जनवरी 2013 में की थी, तथा उसी मैच में 4 ओवर मेडल डाले थे दोस्तों। ये जो थे उसी मैच में 4 ओवर मेडल डाले थे मोहम्मद शमी ने नवंबर 2013 में। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद शमी ने नवंबर 2013 में अपने टेस्ट करियर की भी शुरुआत की थी। उसी साल इन्होंने अपने टेस्ट करियर की भी शुरुआत की थी जिस साल इन्होंने वनडे में अपना करियर का शुरुआत किया था। और ये टेस्ट करियर में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध 5 विकेट लिए थे दोस्तों। इन्होंने अपनी जो शिक्षा स्नातक तक की थी दोस्तों, और ये महात्मा ज्योतिबा फुले, जी हाँ दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है अपनी जो है स्नातक की पढ़ाई की थी दोस्तों। तो मैंने आपको मोहम्मद शमी के क्रिकेट करियर के बारे में बताया और व्यक्तिगत जीवन के बारे में किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करता हूं। तो दोस्तों मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर मोहम्मद शमी को भारत को फाइनल जीत दिलाने के लिए बहुत बहुत पहले से ही धन्यवाद प्रकट करता हूँ दोस्तों। मैं चाहता हूं कि टीम इंडिया फाइनल जीते। हम सभी की, पूरे भारत के लोगों को कामना है कि भारत जो है फाइनल जीते, और उसमें जो है आपकी भूमिका बहुत ही सराहनीय हो। तो मोहम्मद शमी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं चाहता हूं कि भारत जो है फाइनल जीते और मोहम्मद शमी की जो उसमें भागीदारी बहुत ही अच्छी हो। और ये ऐसे ही भारत के तरफ से खेलते रहे और अपनी भूमिका बहुत अच्छा बनाए रखें। तो दोस्तों धन्यवाद, आप सभी इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू दोस्तों।